नमस्कार, एशियन भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। एशियन भारत के इस विशेष कार्यक्रम चुनावी शंखनाद 2023 में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के चुनावों में आदिवासियों की भूमिका आखिर क्या है, और इस मुद्दे पर केंद्रित राजनीति आदिवासी क्षेत्रों के प्रदेश की राजनीति में आखिर कितना दखल है। हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। देखा जाए तो प्रदेश की विधानसभा 2023 का सियासी समीकरण आदिवासियों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के दोनों ही मुख्य दल आदिवासियों पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, चाहे वह बिरसा मुंडा जयंती हो या महानायक टंट्या भील को याद करने की बात हो। सभी दल आदिवासियों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में 47 सीट आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है, जबकि मध्य प्रदेश की करीब 80 सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव भी देखा जाता है। इसके साथ ही प्रदेश में लगभग 2 करोड़ से अधिक आदिवासी निवासरत है। इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डिबेट में फोन लाइन पर मौजूद है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता श्री गोविंद वालू जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के नीलाभ शुक्ला जी और वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक श्री नवनीत शुक्ला जी। आप सभी लोगों का स्वागत है एशियन भारत पर। हम शुरुआत करेंगे इस पूरे मसले की गोविंद मालू जी से कि प्रदेश का इलेक्शन आदिवासी वोटों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। गोविंद जी, क्या लगता है कि सीधी की घटना को लेकर भाजपा और कांग्रेस जब आमने सामने नजर आ रहे हैं, इस घटना के बाद क्या भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं। देखिए, किसी एक घटना विशेष को किसी जाति समुदाय से जोड़कर देखना और उस पर राजनीति करना ये कांग्रेस का जी कदल है। हमने वो घटना किसी के साथ भी घटती जी, कोई भी होता निंदनीय है, वर्षना की योग्य है, और ऐसी घटना की हम कड़ी निंदा करते जी। उस पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई की, एनएसए लगाया, अवैध अतिक्रमण तोड़ा, और आज मुख्यमंत्री जी ने जी जो पीड़ित व्यक्ति है उसको बुलाकर उसके प्रति अपनी बहुत ही सदा कहता संवेदना भी व्यक्त की कि आपके साथ हुआ ये गलत हुआ। उन्होंने इसके लिए खुद को उन्होंने उसके सामने खुद करके उनसे कहा कि हम इस घटना से बहुत दुखी हैं जी, आपके साथ जो हुआ हम आपको और आपके परिवार को सम्मान देते हैं, और ये जो सदाशयता, ये जो संवेदनशीलता मुझे नजर आई, इसका मतलब ये है कि पूरे देश के किसी भी वर्ग, किसी भी जाति और किसी भी समुदाय का व्यक्ति यदि कोई गलत कर रहा है तो निश्चय ही उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार ने हमेशा की है, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। उसके बाद शिवपुरी की घटना जी, उस पर भी हमारे हमने संज्ञान लिया है, लेकिन कांग्रेस इसमें दो मुही राजनीति करती है। केवल वोट बैंक दिखता है, चाहे वो एक घटना हो या दूसरी घटना हो, दोनों में वोट बैंक दिखता जी है। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम तो मानवीय गरिमा की और मानवीय अस्मिता की, और जो गलत है, गैर कानूनी है, जो अमानवीय है, उस कृत्य की निंदा भी करते हैं, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करते हैं। ये हमने लगातार बिल्कुल, ये जो कृत्य था वाकई में निंदनीय था। नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ है। नीलाभ जी, सीधी की जो घटना सामने आई है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर तो आ रही है, हालांकि गिरफ्तारी भी हुई है, बुलडोजर भी चले हैं, मुख्यमंत्री ने पीड़ित के पैर धोकर क्षमा याचना भी की है, साथ ही दर्शक को शॉल उड़ाकर उसका सम्मान भी किया है, पर कांग्रेस जरूर इसमें आक्रामक नजर आ रही है। जी जब आदमी अपमान की आग पे चलता है तो उसकी आप क्या वो कल्पना नहीं कर सकते।
सबसे बड़ी बात आप संस्था के नशे में इतने अंधे हो चुके हैं कि आप इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। इतना दम जल सकता था कि आप इतने धक्के पर भारत आते हम और अगर इसे विशाल बंगाल के अल्पाल पूछते हैं ऐसे हरे झावे से पेशाब नहीं था आप एक इंसान पर पेशाब कर रहे हैं पूरे एक सुखा वीडियो बना रहा है और उसका हल्का नामा बस झूठा बना रहे हैं इतनी सुन हुए डर से काम कर रहे हैं। आप जो घड़ित मानसिकता है आप इंसान को इंसान नहीं समझ। आप सीधी बात है आपकी सरकार में दलित वाले आदिवासी लगातार अत्याचार हो रहे हैं। पिछले 18 सालों से अत्याचारों की लंबी फेरिस्त है। एनसीआर की रिपोर्ट है कि जनता पार्टी विधायक मतलब पिछले वर्ष लगातार और अत्याचार है और अत्याचार मध्य प्रदेश अव्वल है। बिहार के घर को जितनी घटना बताता हूँ आदिवासी युवती की संघर्ष परिस्थिति में मौत हो गई करीब पिछड़ापन 8 दिन तक गैर आदिवासी आबादी के साथ झुलने मिलने की समस्या शिक्षा चिकित्सा रोजगार आवास सभी का तो हमारा आदिवासियों का मामा जी को डंटे मामा याद आ गए 18 साल पहले डंटे मामा याद नहीं आए एकदम संभावी डंटे मामा याद आ गए इनको बसों भर के भोपाल ले जाया गया मोदी जी के साथ हमारा इवेंट कर दिया फिर छोड़ दिया गया न उनकी चिकित्सा की बात की न उनकी शिक्षा की बात की जड़ेबंद की बात की न उनके रोजगार की बात की कहीं कुछ नहीं किया। फिर अत्याचारों में बेचारा आदिवासी फरियादी बन के जाता है अपराधी बना दिया जाता है। नीमच की घटना देखिए आप लोग को पिकअप फेल से पीछे बात में हटा गया चोरी के चक में सड़क पर लेटा उसके अस्पताल में मौत हो गई। उसके पहले आप पहली घटना बता रहे हो 2 साल पहले की मध्य प्रदेश की नेवाबर में आदिवासी परिवार सदस्य जगन हत्या करती जमीन में गांव जाया गया था उस परिवार की मात्र बच्ची बची जिसे 11 दिन पैदल चलकर नेमावर से भोपाल से न्याय की गुहार लगी। उस बच्ची के साथ कहा साथ दिया कारण भी जगह गिरफ्तार कर दिया आपने गुना में भूमि विवाद को लेकर आदिवासी महिला को जिंदा जला दिया। एक लंबी चौड़ी फेरिस्त आदिवासी बिल्कुल एक लंबी फेरिस्त कांग्रेस के द्वारा भाजपा के समक्ष रखी जा रही है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहेगा। नवनीत शुक्ला जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवनीत जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रदेश में होने वाली आदिवासियों पर जो बात की जा रही है भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ आदिवासी क्षेत्र में जो दल हैं जैसे जयस हो अन्य संगठन हो उनकी भूमिका आप किस रूप में देखते हैं इस घटना से परे हम बात करें पूरे विधानसभा चुनाव की तो क्या रूप देखते हैं आप? देखिए मध्य प्रदेश में आदिवासियों का जो बड़ा इलाका है या बड़ा क्षेत्र है वो मालवा निवाड़ कहलाता है। बिल्कुल। और इन क्षेत्रों में भाजपा पिछली बार चुनाव में एक नुकसान उठा चुकी है जी। ऐसे में भाजपा के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो आदिवासी क्षेत्रों में अपनी पकड़ को कहीं पे भी ढीला ना छोड़े। बिल्कुल। अगर आप देख रहे होंगे तो पिछले लंबे समय से भाजपा आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग से कार्यक्रम मना रही है। अब चाहे वो भौरपुरे का मामला टंटिया भील के नाम पे हो जाए या किसी को भगवान मना दे वो सब कर रहे हैं जी। और जो करना चाहिए राजनीति का मूल सिद्धांत है जो आप कर सकते हो वो करो आपका वोट बैंक टूटना नहीं चाहिए। पर दूसरी ओर क्या है कांग्रेस पिछली बार चुकी यहाँ से बढ़त बना चुकी है पिछली बार आदिवासी किसी क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र में बड़ी सेंध लगा चुकी है। इसलिए भाजपा चाहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा हादसा हो जाए और जिसके कारण कोई बड़ा वोट बैंक कहाँ से निकल जाए। बिल्कुल। मुख्यमंत्री का ये 14वां 5वां राउंड है चुनाव का और वो भी नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भी की कहीं जरा सी भी चूक हो जाए और बड़ा नुकसान हो जाए। अब इस प्रकार की हालांकि मैं तो ये मानता हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए कोई भी दल हो चाहे कांग्रेस हो या भाजपा पर इस प्रकार की घटनाओं पर राजनीति करने का कामकाज भी भाजपा ने ही शुरू किया है। नहीं तो इसके पहले क्या अभी ये घटना राजस्थान में हो गई होती तो भाजपा आज यहाँ बढ़ गई होती पूरे चुनाव चुनाव प्रदर्शन कर जी। तो ये क्या ये जो स्वभाव है वो दूसरे के लिए हो सकता है कि तुम करो तो हम करें तो राष्ट्रीय तुम करो तो कैरेक्टर डीला ये जो राजनीति हो रही है ना उसी के कारण परिणाम हो रहा है कि आपको उसको हवाई जहाज से बुलाना पड़ा और हवाई जहाज से उसकी पूजा आरती से करनी पड़ी। ये बता रहा है कि आपके मन में डर कितना है कि आप कहीं पर भी खौफ खाए हुए उस समय कि कहीं कोई नुकसान नहीं जाए। हालांकि ये भी बात सही है कि मुख्यमंत्री इससे क्या करेंगे इस प्रकार के हादसे तो कहीं भी होते रहे। बिल्कुल। आपने कोई ऐसा थोड़ी कर रखा है कि इस प्रकार के हादसे की गारंटी होगी क्या कांग्रेस के राज में नहीं होंगे कांग्रेस कहीं लिखित में देंगे क्या करेंगे ऐसा कोई हादसा हो गया आदिवासी के साथ तो हम तो पार्टी से इस्तीफा ही दे देंगे पूरी पार्टी हम आगे चुनाव में लड़ाएंगे। सब जानते हैं कि सब राजनीति कर रहे हैं इसी स्थिति में जब सब राजनीति कर रहे हैं तो कांग्रेस भी राजनीति कर रही है। मुझे ऐसा लगता है इस बार का चुनाव भाजपा के लिए भी आदिवासी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी पकड़ बनाए रखें और इसीलिए अलग ये बात भी है कि सरकार ने आदिवासियों के क्षेत्रों में बहुत कुछ किया
नौकरियों की बात है, हर जगह पर उनके लिए जो है कि सामाजिक समरसता का मामला है जी। ये हादसा भी मैं मानता हूँ कि एक किसी ऊंची जाति के व्यक्ति का अहंकार है कि उसकी इतनी हिम्मत है कि उसके अहंकार में वो इतना नशे में चूर था कि उसने उसको आदिवासी को देखा जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की हादसों को लेकर पर राजनीति अपनी जगह है और हादसे अपनी जगह है। तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे लाभ मिल सकता है उसको नहलाने धुलाने से, तो कल फिर एक आशीपुरी में फिर हो गया तो क्या करोगे? क्या इसी मामले में हवाई जहाज लगा के रखो गड़ी गड़ी उठाने का? सबसे जरूरी चीज होती है कि तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तुरंत कार्रवाई हुई, बिल्कुल मकान तोड़ दिया। कल होता है कि भैया कानून ने अपना काम किया है, तो मुझे लगता है जो कानून ने किया उससे बेहतर इस मामले में कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल शुक्रिया। हम एक बार फिर मालू जी की तरफ जाना चाहेंगे। मालू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बिरसा मुंडा जयंती हो या फिर टंटिया भील को याद करने की बात हो, भाजपा लगातार बड़े कार्यक्रम करके आदिवासी बेल्ट में अपना वर्चस्व कायम करने का प्रयास कर रही है। हालांकि 2018 के चुनाव में आदिवासी बेल्ट में भाजपा कुछ पिछड़ी हुई नजर आई, इस बार क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं इस बेल्ट में? देखिए, हमने तो जितनी योजना बनाई वो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जी और सबका सहयोग उसके लिए बनाई है। और हम योजनाओं का फायदा सीधे जनता तक पहुंचे इसके लिए हमने कई सारे उसमें चेक एंड बैलेंस भी दिए हैं, कोई भ्रष्टाचार ना हो इसके लिए भी हमने सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम लाए हैं जी। हमने कई सारी योजनाएं वनवासियों के लिए आज तक कभी उनकी वनोपज के लिए समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया, हमने किया पैसा एक हमने लागू किया, छात्रावास हमने बनाए उनके लिए जो उनके छात्र छात्राएं हैं उनको निशुल्क शिक्षा देने का काम, उनके लिए निशुल्क छात्रावास का उपलब्ध कराने का काम वो हमने किया। और तो और यदि कहीं निजी जगह छात्रावास में रहता उसका भी पैसा सरकार देती है, उच्च शिक्षा के लिए जाता उसका पूरा खर्च सरकार उठाती है। सरकार ने हमें उनको स्वावलंबी बनाने के लिए लगातार, कांग्रेस ने उनको छला है। मैं दिग्विजय सिंह सरकार में लगभग 5,386 घटनाएं जी आदिवासियों और दलितों पर अत्याचार की हुई जी। और अभी जब उनकी सरकार आई 9 अगस्त को अलीराजपुर के नानपुर में 5 युवकों को जिसमें नाबालिग भी थे उनको गिरफ्तार किया गया और उनको पेशाब मिलाई, तब कहाँ थे कांग्रेस के लोग? तब उनको दलित अपना आदिवासी प्रेम कहाँ चला गया? तब वो गए थे क्या कमलनाथ जी? इसके बाद अभी जोबट में कांग्रेस की नेत्री ने उनकी अपनी जिलाध्यक्ष जो आदिवासी था उसको चप्पलों से पीटा, ये है उनका सम्मान। और इसके अलावा कौठू कांड हुआ जैसे दिग्विजय सिंह की सरकार बनी 93 में 94 में कौठू कांड हो गया, जहाँ वो सारे उनके झोपड़े जला दिए आदिवासियों से कब्जा करने के लिए, जमीन पर कब्जा करने का आदिवासी तथाकथित इनके जो जिस तरीके सामाजिक तत्व इन्होंने दिए थे उन लोगों ने काम किया और उन्होंने अंजाम दिया, वो बड़ी घटना हुई थी। ये तमाम घटनाएं, लेकिन हम सबकी निंदा करते, हम इस पर राजनीति नहीं करते। और आज मुख्यमंत्री जी ने जो संवेदनशीलता सदाशयता बताई ऐसी कभी कांग्रेस ने बताई? अभी भी उत्तर राजस्थान की घटना हुई, एक जूते में पेशाब पिलाई गई दलित को, यहाँ पर एक दलित को 3-2 मुस्लिम युवकों ने उनके साथ मेला खिलाने की बात की, तब उस पर कांग्रेस क्यों नहीं बोलती? एक तरफ वोट बैंक की, केवल वोट बैंक की राजनीति करना, मानवीय गरिमा की राजनीति नहीं करना और केवल आरोप प्रत्यारोप करना बगैर किसी प्रमाण के, ये कांग्रेस का काम है। कांग्रेस हित साधन नहीं करती। और सबसे बड़ा जो काम कांग्रेस ने किया है, सबसे बड़ा जो आदिवासियों पर अत्याचार किया है, धर्मांतरण की फैक्ट्रियां खोल दी जगह जगह, जहाँ पर झाबुआ देखिए या उधर मंडला देखिए या और कहीं देखिए जहाँ आदिवासी क्षेत्र है, उनको अपनी संस्कृति से इतर उनको दूसरे धर्म में धर्मांतरण करने के लिए पूरी तरह से एक तरह से अज्ञात अघोषित लाइसेंस दे दिया। इस तरह का काम उनके, हमने उनकी सभ्यता संस्कृति उनके मान हिंदुओं को उनकी मर्यादाओं को और उनके महापुरुषों को जी फिर से उनको उनके उनके स्मरण करके उनकी 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 इज्जत बढ़ाई, उनका सम्मान दिया। कांग्रेस ने कभी ये नहीं किया। आप 15 साल में क्यों नहीं किया? आपने 60 साल में क्यों नहीं किया? हम यदि कभी भी कर रहे हैं तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। हम यदि औरंगजेब लेन का नाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रख रहे तब आपका मुंह में क्या दही जम जाता है? आप हमेशा, मेरा आरोप ये है कि चाहे दलित हो चाहे आदिवासी हो, आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनके हित साधन भी करते हैं। वास्तव में हमारी भी योजना ऐसी नहीं है जो किसी जाति वर्ग विशेष के लिए, किसी समुदाय विशेष के लिए। बिल्कुल, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं पुराने इतिहास बाहर निकल के सामने की तरफ आते हुए नजर आते हैं, पुराने सारे कृत्य जो है वो बाहर निकलते हुए सामने नजर आते हैं। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी बेल्ट की बात की जाए
तो झाबुआ हो, धार हो, मंडला, डिंडोरी, बड़वानी, खरगोन, हरसूद, रतलाम के कुछ जिले, बैतूल के कुछ जिले, बालाघाट के, सीधी के और शोपुर के कई जिले जो इस बेल्ट में आते हैं आदिवासी क्षेत्र में, पिछली बार कांग्रेस कुछ लीड करती हुई नजर आई थी। निलाभ भाई, इस बार क्या नजरिया है, किस तरह से आप लोग इस बेल्ट में काम करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, आदिवासी बात शुरू से ही कांग्रेस से जुड़ा हुआ, 2018 में आप देख चुके हैं, भ्रमित करते रहे आदिवासी से, क्या होता है जब कुछ लोग सत्ता से, कुछ लोग अंध भक्ति में इतने अधीन हो जाते हैं ना, तो सत्ता से पर पेशाब करने लगती है, भाई इतनी मालूम चीजें हो रही है, बड़ी बड़ी इनसे इनकी भाजपा पर उतरी वो बड़ी तकलीफ है। जब इतने बातें करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, जलन समस्याओं की बातें करते हैं, कभी इंदिरा जी की बात करने लगते हैं, राजीव जी की बात करते हैं, सीधी का जंगल की बातें करने लगते हैं, मतलब मुख्य मुद्दों से जहाँ डरने लगते हैं, भागते मुख्य मुद्दों से, सामना नहीं करते। आपने सीधे सीधे आदिवासी को जलील किया, उसको पेशाब करने का दुष्कर्म करवाया आपकी पार्टी के नेता ने, उस पर आपने इवेंट बना के माफी मांगनी, जेल बोली, जड़ बोली, जड़ अगुब बोली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए आपके आजू से कितनी घृणा है, आप कहते हैं आप तो बनी ब्राह्मणों की पार्टी, दलित पिछड़ा वर्ग, आदिवासियों को आप कितने नीची नजरों से देखते हैं, आप उसको लेकर डिग्रेट बनाते हैं, न तो आप उनके उत्थान के लिए कुछ करते हैं, न शिक्षा के लिए करते हैं, न रोजगार के लिए करते हैं, न इलाज के लिए कुछ करते हैं। कांग्रेस शुरू से इसके साथ जुड़ी है कि आदिवासी वर्ग का विश्वास कांग्रेस के साथ है। 2018 में आदिवासी वर्ग ने साबित नहीं कर दिया तो मोर भी लगा दी। आने वाले 2003 के चुनाव में पूरा आदिवासी वर्ग भाजपा को पूरी तरह से आईना दिखाएगा, तो भाजपा को बताएगा कि इस तरफ पेशाब करने का, सार्वजनिक रूप से आदिवासी समाज का अपमान करने का मतलब क्या होता है। आदिवासी बेल्ट जो है वो किसे आईना दिखाया जाएगा ये तो समय का फेर ही बताएगा, लेकिन मैं नवनीत जी से जानना चाहूंगा कि क्या आदिवासियों को लेकर सभी राजनीतिक दल जो है वो केवल वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं या फिर उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए भी कुछ काम करती है, या फिर केवल वोट बैंक है और कुछ नहीं? क्या कहेंगे नवनीत जी? भाजपा जो है वो सबका साथ सबका विकास का उसका नारा है जी। हालांकि उन्होंने ये जरूर, वो अभी 20 साल हो गए भाजपा की सरकार को, उसके बाद दिग्विजय सिंह का नाम से रोटी कब तक खाएगी भाजपा, मेरी ये समझ में नहीं आता। ये पूरी पीढ़ी खत्म हो गई, 20 साल का बच्चा बड़ा होकर कॉलेज में आ गया, अभी भी दिग्विजय सिंह के नाम से रोटी कब तक खाएंगे, नेहरू जी के नाम से तो खा ही रहा है। दूसरी बात, अगर सबका साथ और सबका विकास वाला नारा मेरे को बिल्कुल सही लगता है, इसलिए भी सही लगता है कि आप बताइए कि अभी आज जैसे उन्होंने वहाँ जो है एनसीपी में जिन 3 लोगों को मंत्री बनाया, तीनों पर 1,000 करोड़ से ज्यादा के मुकदमे में 1-1 साल जेल में लेके आए तीनों से, तो मानना पड़ेगा। भाजपा का ये नारा बहुत अच्छा लगता है कि भ्रष्ट हो, चोर हो, जो भी हो, सरकार के साथ शामिल हो गया तो बिल्कुल बहुत विकास करता होगा। अब रात और आदिवासियों के लिए देखिए, इस देश का संविधान जो है वो आदिवासी पिछड़ा वर्ग तमाम जातियों के लिए आरक्षण में इतनी अच्छी व्यवस्था दी हुई है कि 80% आबादी को आप कहीं पर भी उनके सम्मान में, उनके पदों को लेकर, उनके एडमिशन को लेकर, कहीं पर भी उनके लिए ये नहीं है कि उन्हें कहीं लाइन में लगना पड़ता। अगर वो 40% नंबर भी लेके आते हैं तो बेहतर से बेहतर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज पाने का हक है, जो 80 और 90% तो दूसरी बिरादरी के लोग नहीं पा पाते। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस देश के संविधान ने उनको इतनी व्यवस्था दे रखी, आदिवासियों किसी सरकार की मेहरबानी नहीं है, ये इस देश की बड़ी आबादी, 80% आबादी देश में आदिवासी पिछड़ा वर्ग की है, 20% का उच्च जातियां आती है, तो जो 80% लोगों का राज है उनको हक मिलना चाहिए, ये देश उन लोगों का है। और इसी आधार पर जो है जो भी सरकार आए, जो पूछना पड़ रहा है शिवराज जी को, पेड़ पूछना पड़ रहा है, ये सबके को उनको मानने में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है इस देश की जो इस देश में सरकारों का नेतृत्व करते हैं जी। वोट डालने का अधिकार ही नहीं है, उनकी बिरादरी है वो वोट डालते हैं, उनको अधिकार मिले हुए। आप झाबुआ के अंदर कई योजनाएं चल रही, सरकार चला रही, कोई भी सरकार आती चलाती, आदिवासियों के क्षेत्र में काम हो रहे हैं, कोई भी सरकार आती काम करती है। पर मेरा ये मानना है आदिवासियों के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, आदिवासियों के लिए काम होना चाहिए। अभी जो है बिरादरी हो, तुम आदिवासी बन रहे हो या तुम क्रिश्चियन बन रहे हो, तुम ये सब कर रहे हो, अरे आप हम बच्चों को कभी आपने पता लगाने की कोशिश की थी सरकार में कितने बच्चे IIT में गए? हमने कोई प्रयास भी किया उसकी कोई कोचिंग होती? बस चुनाव के समय में आदिवासी हरिजन हिंदू मुस्लिमों को करने लगते हैं, ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। स्वस्थ परंपरा ये है कि आपको 365 दिन उनके लिए काम करना चाहिए, और 365 दिन ऐसे मामलों में जो कानून का काम हो कानून करे, जो आम इंसान का काम इंसान। बिल्कुल सही कहा नवनीत जी आपने कि आदिवासियों पर राजनीति नहीं होना चाहिए। मध्यप्रदेश की बात की जाए तो लगभग 2 करोड़ आदिवासी यहाँ पर निवासरत है। मालू जी से जानना चाहूंगा कि आदिवासी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी ने काफी अधिक कार्य किया
किए भी हैं और करते हुए भी नजर आती है। चाहे एकल विद्यालयों की बात करें, हम क्रिकेट टूर्नामेंट की बात करें, दीक्षा और शिक्षा की बात करें, टंटिया भील की जयंती हो उसके कार्यक्रमों की बात करें, कई योजनाएं भी आप लोग सरकार के माध्यम से चला रहे हैं। किस तरह के आगे भी क्या योजना है आप लोगों की, आगे किस तरह से काम करेंगे इन क्षेत्रों के लिए, इन लोगों के लिए? मालू जी, हम हमेशा काम करते हैं जी, अभी नवनीत जी ने कहा जी, लेकिन उनको हमारी शायद योजनाओं का जो लाभ उनको मिल रहा है जी, उच्च शिक्षा के लिए भेजे जा रहे हैं, संख्या तो कितनी होगी ये तो बता सकते हैं जी, जब पूरे गणित उसका निकलेगा पूरी संख्या भी बता दी जाएगी जी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर उनको शिक्षा के लिए काम किया है, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके आर्थिक उन्नयन के लिए वो किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने। मैंने कह रहा कि आज हुआ कि कल हुआ, जब से सरकार आई तब से शनै शनै अलग अलग जगह पर अलग अलग उनको कैसे स्वावलंबी, कैसे एम्पावर्ड किया जाए जी, उसके लिए काम किया, कैसे उनका शोषण मुक्त समाज बने उसके लिए काम किया है जी, और हम आगे भी योजनाएं बनाएंगे। मैंने कहा ना, मैं तीन चार तो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आपको बताई, इसके अलावा भी कई जगह पर आदिवासियों के हितों के साधने के लिए, देखिए उनकी जब तक उनकी मोहब्बत उनका नहीं बढ़ेगा, जब तक उनको ये नहीं लगे सम्मानित समाज में जी, तब तक वो क्या कर पाएंगे। इसलिए उनके लिए लगातार काम करना, उनकी संस्कृति, उनके उनके सभ्यता, उनके आर्थिक विकास, सभी मल्टी डायमेंशनल हमने काम किए हैं और लगातार आगे भी करते रहेंगे, हमारी प्रतिबद्धता। इसीलिए हमको देश भर में चाहे आदिवासी वर्ग हो, चाहे दलित या पिछड़ा वर्ग हो, चाहे समाज का कमजोर वर्ग हो, उसका हमें समर्थन मिलता रहा है। हमने कभी उनको वोट बैंक नहीं बनाया, उनको मानवीय गरिमा दी। बिल्कुल, गोविंद बालू जी का कहना है कि हमने कभी उन्हें वोट बैंक नहीं माना। नीलाब जी, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को गिनाए गए हैं उससे क्या आप वाकिफ हैं, क्या आप संतुष्ट हैं, क्या आपको लगता है कि आदिवासियों की शिक्षा के लिए काम हुआ है, आदिवासियों के उत्थान के लिए काम हुआ है, या केवल आदिवासियों का शोषण ही होता हुआ है? बालू जी ने केवल अपनी गरीब से बता दी कि आदिवासी ने इतने काम करके आदिवासी आज भी गरीब है, आदिवासी आज कमजोर है, आदिवासी आज की इलाज के लिए परेशान हो रहा, आदिवासी पर आज की आवाज की समस्या है, आदिवासी लोगों में आज भी पानी की समस्या है, आदिवासी पर रोजगार की समस्या है। उन्होंने काम कहाँ कर दिए मुझे बताया, सारी योजनाएं कागजी योजना है, हितग्राहियों तक लाभ नहीं पहुंचता, हर योजना भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ जाती है, इतनी लंबी भ्रष्टाचार की भेड़ जिससे कि आदिवासी का नाम से आप इतने घोटाले के लगे, आदिवासी की स्थिति जब की तब, आदिवासियों का क्या समझेंगे। 2018 में अगर आपने काम किए होते, 2018 में आदिवासी आपको सम्मान देते, वोट देते, क्यों नहीं दिया आदिवासी ना वोट सम्मान जी। देखिए आदिवासी वर्ग तो कांग्रेस और आजादी के समय से जुड़ा हुआ है, बिरसा मुंडा और टंटिया मामा, स्वतंत्र संग्राम सेना जी, सारे उन्होंने काम किया, आप उसकी महिमा क्या जाने, आपकी पार्टी में इतनी स्वतंत्र संग्राम सेना जी दी है, सागरी लड़ाई में आप लोगों ने भाग लिया है, जिसकी महिमा आप समझ नहीं सकते, आप उससे पढ़े हैं कि अजीत मुंडा आपके अंदर इस चीज को लेकर, उस बारे में बात करना भी चाहूंगा कि आदिवासियों की स्थिति आज की जब की तरह से जो भी बात है, छोटी बात है, किताबी बात है, कागजी बात है, पूरी योजनाओं भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई है, आदिवासी स्थिति वही की वही सिर्फ अपनी पीठ पर सफा रहे। हमसे यही आपसे प्रार्थना करते हैं, कम से कम उनके लिए आपने कुछ नहीं किया, उनका अपमान मत कीजिए, सरे हाँ आदिवासियों की शाम मत दिए, सत्ता का दम मत कीजिए कि आदिवासियों आप सरे हम अपमान करें, तो फिर शाम कर ऐसी घटना इस मरावस्त में नहीं हो, इसकी व्यवस्था की जाए, उन पर अत्याचार नहीं हो उसकी व्यवस्था की जाए, कांग्रेस के प्रशासन आएगा हम उनका उत्थान कर लेंगे, हम आपका विश्वास शासन देंगे, उनका कुछ भी नहीं कर पाए, हमसे उनका अपमान मत। नवनीत जी से अब मैं केवल इस पूरी डिबेट का एक कंक्लूजन चाहता हूं कि इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति, यदि विधानसभा चुनाव की बात करें तो आदिवासी वोट बैंक किस तरफ कन्वर्ट होगा? यह 47 सीटें हैं आदिवासियों के लिए आरक्षित है, 80 सीटें जो प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं, क्या सीन नजर आता है आपको इस बार इस बेल्ट में? हेमंत जी, हमने पहले कहा हम किसी भी वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, हम ये करते हैं कि हम सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी क्षेत्रों में सबका साथ सबका विकास और हम ज्यादा से ज्यादा हम देखिए ये बिल्कुल गोविंद जी आपकी बात हमने सुनी, पहला प्रश्न मैंने आप ही से किया था, मैं नवनीत जी से जानना चाहूंगा कि क्या माहौल लगता है आदिवासी बेल्ट की बात की जाए तो? लाभ मिलता रहा है हमेशा और आगे भी मिलता रहा। नवनीत जी देखिए अभी तो चुनाव के चार चार सर्वे अलग अलग आ चुके हैं, भाजपा के सर्वे भी आ चुके हैं, कांग्रेस के सर्वे भी आ चुके हैं, कांग्रेस में कर्नाटक के चुनाव के बाद जितना उत्साह देखने को मिल रहा है मुझे शायद पहली बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को विश्वास हो रहा है कि सरकार बना लेंगे वो लोग,
और आदिवासी क्षेत्रों में, हालांकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस बार मालवा निमाड़ में कांग्रेस को नुकसान होगा जी, और उसके कई कारण है। इस बार इसलिए भी नुकसान होगा, पिछली बार कांग्रेस यहाँ से अच्छी खासी बढ़त बना चुकी है जी, बढ़त बना चुकी थी आदिवासी क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में इस बार भाजपा ने बड़ी मेहनत और लंबे समय से वहां पे काम कर रही है, इसके कारण कांग्रेस को कोई बहुत ज्यादा यहाँ लाभ नहीं मिलेगा। इसकी बजाय दूसरे क्षेत्रों में लाभ भले ही मिल जाए पर आदिवासी क्षेत्रों में कोई चमत्कारी की स्थिति नहीं बनेगी। दूसरी बात ये कि आदिवासियों के बेल्ट में एक या दो दिन के प्रचार से कभी कुछ नहीं होता। ये बीजेपी की रणनीति है कि आदिवासी लोग, उनको अखबार पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आदिवासी बहुत ज्यादा वहाँ रीडरशिप नहीं होती है, चैनलों में वो कई खबरों का बहुत ज्यादा रुझान नहीं रहता, मनोरंजन पे ध्यान देते हैं। इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में जो काम हो रहे हैं, जो संपर्क बने हुए हैं, वही केवल काम आते हैं। तो अगर भाजपा का संपर्क बना हुआ है, पिछले बार संघ ने एक चार महीने पहले ही ट्रेन तनाव लगा के वहां पर संपर्क किया, इस बार का अगर संपर्क बना हुआ तो भाजपा को लाभ मिलेगा। अगर भाजपा इस बार अधिकारियों के भरोसे, जैसी परंपरा का तो आप कहा जा रहा है अधिकारियों के भरोसे चुनाव लड़ रही होगी, तो निश्चित रूप से पूरे क्षेत्रों में बड़ा खड्डा होने वाला है भाजपा के लिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिसका संपर्क होगा उसी को लाभ इस बेल्ट में होता हुआ नजर आएगा। चुनावी माहौल तैयार हो चुका है, मतदाता मौन है और खामोश है, वह हवा का रुख देख रहा है कि किस ओर अपना मत देकर उसकी सरकार बनाया जाएगा। हालांकि ये सारी चीजें उनके मन में ही। हम तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, गोविंद बालू जी जो कि भाजपा के प्रवक्ता है, नीलाभ शुक्ला जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, और नवनीत शुक्ला जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़े थे। आपने अपनी बात को साझा किया, अपने विचार रखे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए एशियन भारत के साथ।